हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेमेस्टर सेकंड ऑफ बीएड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर बीएड, जो आईपी यूनिवर्सिटी का कोर्स है, और इसके अंदर हमें क्या सब्जेक्ट्स स्टार्ट करने हैं अपने सिलेबस के अंदर, वो आज हम देखेंगे। और इसके अंदर जो पहला सब्जेक्ट है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग, जिसका कोड है BED102, और ये हमें सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। ये हमारा पहला सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि अधिगम और शिक्षण। तो ये भी हमारा 100 नंबर का सब्जेक्ट है, पूरा 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अंदर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे तक ये वीडियो देखते रहिए, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से आपको ये टॉपिक सारे क्लियर करने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला यूनिट है हमारा इसके अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 यूनिट्स मिलेंगी, जैसा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था, और सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स में 4 यूनिट्स मिलेंगी। तो 4 यूनिट्स में सबसे फर्स्ट यूनिट जो हमारा इसके अंदर वो है, इसके अंदर यूनिट फर्स्ट डेवलपमेंट एंड लर्निंग, आपको इसके अंदर पढ़ना होगा डेवलपमेंट एंड लर्निंग। और इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में हमें पढ़ना होगा। सबसे पहला पॉइंट लर्निंग एंड टीचिंग, और इसके अंदर आपको लर्निंग एंड टीचिंग का नेचर पढ़ना होगा, रेलेवेंस पढ़ना होगा, और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है इसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसके अंदर नर्चर क्या है और नेचर क्या है, नेचर और नर्चर दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। इन दोनों के अंदर का डिफरेंस आपको इस चैप्टर में मिलेगा। और ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ग्रोथ क्या है और मैच्योरेशन क्या है, इन दोनों को आपस में रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके भी पढ़ना पड़ेगा। थर्ड हमारा पॉइंट है इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि जो रिलेशन है, संबंध है किन दोनों के बीच, डेवलपमेंट के अंदर और लर्निंग के अंदर, की विकास और जो अधिगम है ये दोनों आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस, मतलब जो विकासात्मक प्रभाव होते हैं उसमें डेवलपमेंट एज अ रिजल्टेंट इन इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके अंदर आपको पढ़ना होगा फिजिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स इसमें पढ़ने होंगे, जो आपके 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आपको इसके अंदर पढ़ना होगा लास्ट पॉइंट यूनिट फर्स्ट के अंदर की कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जिसके अंदर आपका आएगा परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल्स, इमोशंस एंड मोटिवेशंस। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स पढ़ने होंगे लास्ट पॉइंट के अंदर। तो ये हमारी थी फर्स्ट यूनिट, ये हमारी फर्स्ट यूनिट कवर हुई। अब हम देखेंगे हमारी सेकेंड यूनिट क्या है। सेकेंड यूनिट में है कॉग्निशन के बारे में पढ़ना है आपको, कॉग्निशन और लर्निंग क्या होती है, कॉग्निशन एंड लर्निंग। तो इसके अंदर आपको कुछ अप्रोचेस पढ़नी पड़ेंगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपको कुछ थ्योरीज भी पढ़नी पड़ेंगी। इस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा थ्योरीज मिलेंगी, तो आपको हर थ्योरी को बहुत ही एक्टिव माइंड से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको कोई किसी भी थ्योरी को समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट की है और क्या उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब हम बात करते हैं इस यूनिट की। तो कॉग्निशन एंड लर्निंग में है अप्रोचेस टू लर्निंग, तो इसमें क्या क्या अप्रोच है लर्निंग के लिए, उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा बिहेवियरिस्ट क्या है, कॉग्निविस्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है वो क्या है, ह्यूमनिस्ट क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है। और उसके बाद आपको कुछ थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी इसी सब्जेक्ट, इसी यूनिट के अंदर। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, जिसमें बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ह्यूमनिस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। तो आपको ये 5 अप्रोचेस पढ़नी पड़ेंगी, 5 या 6 अप्रोचेस जो भी हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको बी पॉइंट में कुछ थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए ऐसे कौन कौन सी थ्योरीज हैं, किस किस साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो सबसे पहला है इसके अंदर आपको थ्योरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके प्रिंसिपल्स को क्लियर करना है, एप्लीकेबिलिटी इज डिफरेंट लर्निंग सिचुएशंस। तो इसके अंदर आपको किस किस की थ्योरीज पढ़नी है, थ्रोनडाइक की थ्योरी पढ़नी है, थ्रोनडाइक एक साइकोलॉजिस्ट थे, पैब्लो की थ्योरी पढ़नी है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, स्किनर की थ्योरी पढ़नी है, कॉलर की थ्योरी पढ़नी है, रॉजर्स की थ्योरी पढ़नी है, बंडूरा की थ्योरी पढ़नी है और वायोगोस्की की थ्योरी पढ़नी है। तो ये कुछ टाइप्स हैं थ्योरीज के जो आपको सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। थर्ड पॉइंट है आपका इसके अंदर डिस्टिंक्शन बिटवीन लर्निंग एज
कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब जो नॉलेज की संरचना है, जो ज्ञान की संरचना है वो क्या है, आपको इसके अंदर नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पढ़ना है। एंड इसके अंदर आगे क्या है, लर्निंग एज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। तो इसके अंदर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या है और ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज क्या है। तो इन दोनों को आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करके पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ना है मीनिंग ऑफ कॉग्निशन एंड इट्स रोल इन लर्निंग, मतलब जो कॉग्निशन है, संज्ञान है, उसका क्या अर्थ है और किस तरीके से इसकी भूमिका है हमारे अधिगम के अंदर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निशन एंड लर्निंग, यानी कि जो सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से प्रभाव डालते हैं किस पर, कॉग्निशन पर और लर्निंग पर। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड यूनिट के अंदर ही एक पार्ट आपने देख लिया जिसके अंदर आपको कुछ थ्योरीज और कुछ अप्रोचेस पढ़नी थी। अब आगे आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसेस द फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को फैसिलिटेट करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं इसको आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो फर्स्ट है आपका इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट वन पॉइंट आपको यही है। सेकेंड है आपका सोशियो मेडिटेशन मेडिएशन जो है सोशल मेडिएशन को पढ़ना पड़ेगा। थर्ड है आपका नेगोशिएबिलिटी, इसको पढ़ना है। फोर्थ है आपका सिचुएटेड लर्निंग एंड कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, तो आपको इसके अंदर ये पढ़ना है। और फिफ्थ पॉइंट है आपका मेटा कॉग्निशन। तो ये पांच पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं किसके अंदर, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के अंदर। नेक्स्ट आपका है इसी सेकेंड यूनिट के अंदर रोल ऑफ अ टीचर इन लर्निंग या फिर टीचिंग कॉन्टेक्स्ट, तो जो आपका टीचिंग और लर्निंग है, अधिगम और शिक्षण है, इसमें एक टीचर का क्या रोल है। तो इसके अंदर आपको पांच पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, नेक्स्ट है आपका मॉडल, थर्ड है आपका फैसिलिटेटर, फोर्थ है आपका नेगोशिएटर और फिफ्थ है आपका लर्नर। तो ये पांच तरीके के रोल होते हैं टीचर के, कि टीचर ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज के रूप में भी कार्य करता है, मॉडल के रूप में भी कार्य करता है, फैसिलिटेटर के रूप में भी कार्य करता है, नेगोशिएटर के रूप में भी कार्य करता है और लर्नर के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट हम इसी में थर्ड यूनिट देखेंगे, इसी सब्जेक्ट का थर्ड यूनिट जिसके अंदर है इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। तो इसके अंदर भी आपको लगभग पांच थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। तो फाइव थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसका जो टाइटल है इस यूनिट का वो है इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन। तो इसमें फर्स्ट आपको पढ़ना होगा सबसे पहला पॉइंट जो है डिफाइनिंग इंटेलिजेंस, की इंटेलिजेंस क्या है इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन गिविन बाय साइकोलॉजिस्ट। इसके अंदर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने किस तरीके से अपनी अपनी डेफिनेशन दी है इसके थ्रू आपको इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आप इसके अंदर पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब जो नेचर है, प्रकृति है आपके इंटेलिजेंस की, उसमें क्या रोल है हेरिडिटी का यानी कि अनुवांशिकता का और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का। तो ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। थर्ड आपको पढ़ना है इसके अंदर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। पहले आपने लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी, सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे और थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की क्या क्या थ्योरी है आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपकी स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, तो इसके अंदर स्पीयरमैन की थ्योरी है जो टू फैक्टर्स थ्योरी है। बी है आपका इसके अंदर गिल्डफोर्ड फैक्टर एनालिटिक थ्योरी। थर्ड है आपका इसके अंदर कैटल एंड हॉर्न्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और डी है आपका इसके अंदर स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। और ई है आपका इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट जिसमें है हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी जो थ्योरीज हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको सारी थ्योरीज को क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप इसके अंदर देखेंगे असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। पहले आपने थ्योरीज पढ़ी, उसके बाद आप असेसमेंट भी पढ़ेंगे इसके अंदर। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे फर्स्ट आप ए पॉइंट जिसमें है इंडिविजुअल टेस्ट, मतलब किसी किसी का टेस्ट जो हो रहा है वो व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, इंडिविजुअल टेस्ट है। और इसमें वर्बल टेस्ट क्या है इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसके अंदर ग्रुप टेस्ट क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर यूज मिस यूज एंड अब्यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, यानी कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, मतलब आपके दिमाग का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आपके माइंड का, तो उसके क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या मिस यूज़ हैं और इसके अंदर क्या क्या अब्यूज़ हैं इसको आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट आप थर्ड यूनिट का पढ़ेंगे मोटिवेशन मीनिंग एंड नीड, डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ड्राइव्स, मोटिव्स एंड इंसेंटिव्स, रोल ऑफ अ टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट
नीड एंड स्ट्रेटजीज स्ट्रेटजीज तो आपको इसके अंदर ये पढ़ना है। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट क्या होता है, यानी कि जो आपकी पर्सनालिटी है और एडजस्टमेंट है ये क्या है। तो आपको फोर्थ यूनिट के अंदर यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो फर्स्ट बुलेट है आपका, इसके अंदर मीनिंग एंड नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो नेचर ऑफ पर्सनैलिटी का जो नेचर है और उसका मीनिंग है उसको आपको इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट आप इसमें भी थ्योरीज को पढ़ेंगे, मतलब आपका ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर आपको सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में, तीनों यूनिट्स में थ्योरीज मिलेंगी। और आपको सारी थ्योरीज को इस तरीके से पढ़ना है कि आपका माइंड इसमें कंफ्यूज ना हो कि थ्योरीज किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है थ्योरीज के अंदर और किसकी थ्योरी है। आपको ये चीज़ या तो आप कोई कोडिंग बना लें या फिर अपने कोई ट्रिक है तो उससे याद कर लें, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट की है। तो आप आगे आपको इसमें थ्योरीज कौन कौन सी पढ़नी है पर्सनैलिटी की। टाइप अप्रोच इसके अंदर क्या है, हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी है, क्रेट्समर की थ्योरी है, सेल्डम की थ्योरी है और जुंगो की थ्योरी है। तो चार थ्योरीज आपको इसमें पढ़नी है टाइप अप्रोचेस में। आगे ट्रेट अप्रोच में पढ़नी है आपको कैटल की थ्योरी ट्रेट अप्रोच के अंदर, और सी है आपका टाइप कम ट्रेट अप्रोच, इसके अंदर आपको एसिंक की थ्योरी पढ़नी है, और डी है आपका इसके अंदर साइको एनालिटिक अप्रोच जिसके अंदर आपको पढ़नी है एडलर की थ्योरी। तो ये कुछ थ्योरीज आपको फोर्थ यूनिट में भी पढ़नी होंगी। और लास्ट है आपका इसका पॉइंट मीनिंग एंड नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि जो नेचर का और एडजस्टमेंट में जो नेचर है और मीनिंग है ये दोनों क्या है, मीनिंग इसका क्या है और इसका नेचर क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसी फोर्थ यूनिट में आपके दो पॉइंट्स और हैं जिसके अंदर आपको पढ़ना है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब जो एडजस्टमेंट का मेथड है उसको पढ़ना है, और इसके अंदर डायरेक्ट मेथड पढ़ना है, इनडायरेक्ट, दो तरीके के मेथड्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको लास्ट पॉइंट में देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्ट पर्सन, मतलब जो एक पूरी तरीके से एडजस्ट पर्सन होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको इसी के अंदर जो आपको प्रैक्टिकल्स या असाइनमेंट्स में कराया जाएगा वो चीज़ें आपकी इसमें दे रखी हैं, फील्ड एंगेजमेंट, इनमें से कोई भी एक आपको कराया जाएगा वो आपके प्रैक्टिकल्स में इंक्लूड होगा, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अंदर हमने अपना पूरा सिलेबस टीचिंग एंड लर्निंग का ब्रीफ में देखा, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और इसकी वीडियोस मैं आगे अपलोड करूँगी सब्जेक्ट वाइज, तो आप बेल आइकन पर प्रेस कर लें और सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच।